हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो देखिए, आलू गोभी और मटर की सब्जी आपने पहले भी बनाई होगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज ये सब्जी मैं आपको कुकर में बनाकर दिखाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि कुकर में गोभी घुल जाती है, जब हम बनाते हैं तो पूरी गोभी घुल जाती है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से बनाकर दिखाऊंगी कि गोभी बिल्कुल भी नहीं घुलेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सारा सामान रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर ले लिए हैं, कुछ प्याज ले लिए हैं। तो आज हम प्याज को काटेंगे नहीं, न ही मिक्सी जार में इसको पीसेंगे। तो हम यहाँ देखिए, मैंने ग्रेटर ले लिया है। तो हम प्याज को यहाँ पर कसेंगे और टमाटर को भी कसेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सारे प्याज को कस लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी प्याज को यहाँ पर कस लिया है, ये देखिए। तो मैं इस प्याज को एक प्लेट में अलग से निकाल दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गोभी ले लिया है और गोभी को भी हम काट लेंगे, पहले साफ कर कर रख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे हम गोभी को बड़े बड़े पीसेज में हम काट लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने आलू को भी काट लिया है और आलू को थोड़े छोटे पीसेज में काटा है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर हमारे आलू भी रेडी हो गए हैं, गोभी भी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मटर ले लिए, एक छोटी कटोरी भर कर मैंने यहाँ पर मटर ले लिए। ये फ्रोजन वाली मटर है, तो मैंने इसको थोड़ी देर पानी में डालकर रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम गोभी ले लेंगे और गोभी को हम डाल देंगे गर्म पानी में। पर गोभी को गर्म पानी में डाल दिया है। जब भी आप गोभी बनाए तो गोभी को थोड़ी देर आप गर्म पानी में छोड़ दीजिए, ताकि इसमें जो भी कीड़े हो, कई बार अंदर होते हैं कीड़े तो हमें दिखते नहीं है, वो इसमें निकल जाते हैं। या इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ प्लेट ले लिया, एक कद्दूकस ले लिया, हमने टमाटर लिए थे, टमाटर को भी हम कस लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टमाटर को भी कस लिया। तो अब हमारा ये सारा सामान यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम लगा लेंगे छोक। तो मैंने गैस पर रख लिया है यहाँ पर कुकर, और कुकर में मैं तेल डाल दूंगी और तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा यहाँ पर गरम हो चुका है, तो इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता और डालेंगे जीरा, और इनको हम हल्का सा भून लेंगे। तो अब जो प्याज कद्दूकस करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और एक बार हिला देंगे और प्याज को भून लेंगे। अब हम प्याज के साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल दूंगी, हरा धनिया, और इसको हिलाकर इसको भी इसके साथ ही हम प्याज के साथ भून लेंगे। तो अब यहाँ हमारी प्याज भी भून चुकी है। तो देखिए, इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डालकर हम इसको हिला देंगे। तो देखिए, एक बार हिला दिया है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अदरक ले लेती हूँ और उसको भी मैं यहाँ पर ग्रेट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अदरक को भी यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, तो ये देखिए। तो अब इसमें मैं देखिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 चम्मच भर कर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और साथ ही मैंने इसमें अदरक भी डाल दी है। तो एक बार देखिए, सारी चीजों को हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और फिर इसमें पानी डालकर थोड़ी देर इसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा ये मसाला अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे, और मटर का देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है, तो इसमें मैंने ये मटर डाल दिया है। अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे। और फिर इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। फिर एक बार इसको सब्जी को हम हिला देंगे अच्छे से, सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। हिलाकर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और देखिए, ढक्कन इसके ऊपर ढक देंगे, और थोड़ी देर हम पहले आलू और मटर को पका लेंगे, ताकि जब हम गोभी डालें तो हमारी गोभी तो बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए पहले हम आलू और मटर को पका लेंगे थोड़ी देर ढककर। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर हो चुकी है और हमारे आलू और मटर हाफ हाफ पक चुके हैं। इस टाइम हमें गोभी डालनी है। तो अब हम गोभी इसके अंदर हमने डाल दिया है, और इसको एक बार अच्छे से हम हिला देंगे।
तो ये देखिए गोभी को मैंने अच्छे से हिलाकर इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और एक ही सीटी बजाएंगे हम, ज़्यादा नहीं बजाएंगे। देखिए सीटी बज चुकी है, तो अब मैं सारी गैस निकाल दूंगी सीटी को ऊपर करके, और इसको फिर थोड़ी सी बच जाएगी तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हमारी ये सब्जी बन चुकी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर में से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी ये गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमारी गोभी बिल्कुल भी नहीं गुली है, ये देखिए अब अच्छे से पक भी गई है। तो आप भी इस तरीके से इस सब्जी को बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और हमारी गोभी घुलती भी नहीं है कुकर में, और सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी होती है। तो आप इस तरह से कुकर में आलू गोभी मटर की सब्जी बना सकते हो, बनाना भी आसान है और बनती भी स्वादिष्ट है। तो आप ज़रूर इसको बनाकर देखिए, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। और इंजॉय कीजिए, और होममेड चैनल रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।